हेलो स्टूडेंट, आपने देखना शुरू कर दिया है स्किल डायरेक्शन। आज हम पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आए हैं। पीएचडी करने के लिए एक मौका मिल रहा है आपको। ये प्री पीएचडी एग्ज़ाम है, उसके बारे में एक न्यूज़ है, नोटिफिकेशन नहीं है, न्यूज़ है, उसी के बारे में डिटेल्स बताएंगे और वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा न्यूज़। तो चलिए न्यूज़ आपको ले चलते हैं न्यूज़ पर और वो दिखाते हैं उसमें पूरा डिटेल्स की क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए, हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान हिंदी न्यूज़पेपर है, इसी का ये न्यूज़ आया है। प्री देखिए लिखा हुआ इसमें कि प्री पीएचडी के लिए होगी एक प्रवेश परीक्षा, यूजीसी नेट की तर्ज पर शुरू होगा बीईटी 4 वर्षीय बीएड पर भी मुहर। ये जो खबर है बिहार से निकल के आई है, बिहार की खबर है यहाँ पे, और इसमें लिखा हुआ है सीधे सीधे कि अब बिहार के सभी विश्वविद्यालय में प्री पीएचडी में नामांकन के लिए एक ही परीक्षा होगी। इसको लेकर राज्य सरकार राजभवन को जल्दी ही प्रस्ताव भेजेगी। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री सह परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर ने की। बैठक में कहा गया कि इस व्यवसाय के लागू होने से छात्रों को अलग अलग विश्वविद्यालय में प्री पीएचडी के लिए टेस्ट नहीं देना पड़ेगा और एक ही परीक्षा के माध्यम से विषय विशेष में सीट की उपलब्धता एवं आरक्षण रोस्टर के हिसाब से नामांकन लिया जाएगा। इससे छात्र परेशानी से बचेंगे, उन्हें आर्थिक नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। बैठक में परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कामेश्वर झा ने शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव, मुंगेर एवं पटना विश्वविद्यालय के कुलपति आदि उपस्थित थे। तो ये खबर है यहाँ पे, इतना ही है। लगता है कि अगर आप वहाँ से पीएचडी कर रहे हैं तो ये आपको पीएचडी का एक ही एग्ज़ाम देने पड़ेगा। ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है ये खबर जो है, क्योंकि बिहार के जो विश्वविद्यालय अब एक ही एग्ज़ाम में देंगे, जैसे कि CUET होता है, CUET की तर्ज पर ये लगता है कि कराएंगे कि CUET में अप्लाई कीजिए और जाके एग्ज़ाम दीजिए एक ही एप्लीकेशन में, जिसमें आपको लेना होगा ले लेगा। नहीं तो क्या होगा कि ऐसा भी कर सकते हैं कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से यूनिवर्सिटी चॉइस कीजिए और उसमें आप चले जाइए, यही होगा। 2 ऑप्शन है यहाँ पे। और एक और इसी से रिलेटेड अपडेट आया है, देख लीजिए यहाँ पे, या विदेशों में अध्ययन के लिए सभी विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। और अगर आप बिहार के हैं और बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, स्कॉलरशिप या अगर मेरिटोरियस हैं तो आपको बिहार सरकार पैसा देगी पढ़ने के लिए। 100 विद्यार्थियों को वहाँ जाने के लिए पूरा खर्चा देगी। इसमें ही लिखा हुआ है, देखिए लिखा है कि विदेश में अध्ययन के लिए 100 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। शिक्षा विभाग के सचिव बैजनाथ यादव ने बैठक में बताया कि विदेशों में नामचीन संस्थानों में अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री विदेश स्कॉलरशिप योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के बाद प्रति वर्ष 1000 छात्र छात्राओं को विदेश में उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। बैठक में पदाधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा भी पीएचडी में शोधरत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। तो देखिए दिया गया है, और बीपीएससी बीएड वालों को मिलेगी राहत, निकलेगी 70,000 शिक्षकों की नई भर्ती, प्रधानाध्यापक पर पद की योग्यता घटी। नेट की तर्ज पर बेट किया को आयोजन किया जाएगा, यहाँ पे है ये खबर। तो ये हिंदुस्तान का खबर है, ये अभी आया हुआ है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन बिहार सरकार में ये हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ आते रहता है, लेकिन बहुत यहाँ पे लेट लतीफ़ी होते हैं। इसका कोई डेडलाइन नहीं है कि कब होगा, लेकिन आया है तो होगा ज़रूर, होता ज़रूर है बिहार में, लेकिन थोड़ा देर लगता है। तो आने इन फ्यूचर में बिहार के स्टूडेंट को यार आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होगा, पार्टिकुलर उच्च स्तर की शिक्षा लेने के लिए। थैंक यू, यहाँ तक आपने देख लिया तो मेरे चैनल को आप लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा वीडियो, तो इन्फॉर्मेटिव लगा तो, और शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की कोई भी न्यू अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल।